अच्छा ठीक है फिर। हवा मेरे, आसमान तुम्हारे, पहाड़ मेरे, रास्ते तुम्हारे, नदियाँ मेरे, झरने तुम्हारे। नहीं नहीं रहने दो, इनको भी अगर बांट दे तो सुकून कहाँ मिलेगा। हाय, दिस इज सौम्य रंजन एंड यू आर वाचिंग सौम्य रंजन ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 2022 जुलाई 10 की, जबकि मैं और पापा हम दोनों मिलके एक प्लान बनाए भुवनेश्वर आने का और भुवनेश्वर से पूरी जाने का। पापा घर से भुवनेश्वर आ गए और मैं अपने हॉस्टल से भुवनेश्वर चले गया, और यहीं से शुरू होता है हमारा भुवनेश्वर टू पूरी एक्सप्रेस, दैट इज भुवनेश्वर टू पूरी सफ़र। फिर भुवनेश्वर स्टेशन में 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद एक ट्रेन आता है, एक ट्रेन टू पूरी, रथ यात्रा स्पेशल भुवनेश्वर पूरी एक्सप्रेस। अरे भाई साहब जल्दी चढ़ो यार ट्रेन में, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल के बाद 2 सीट मिल गया। फिर शुरू होता है हमारा भुवनेश्वर टू पूरी का सफ़र। ये सफ़र इतना लंबा था कि हमारा दम घुट गया ना। ये सफ़र में हम इतना सफ़र किए कि पूछो मत यार। हम 3 बजे ट्रेन में बैठे और ये सोच के बैठे कि 5 बजे तक पूरी पहुंच जाएंगे, पर नहीं, जगन्नाथ भगवान का कुछ और ही प्लान था। ट्रेन लाइन इतना भीड़ था कि पूरी पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए। 1 घंटे का सफ़र कब 5 घंटे में हो गया कुछ पता नहीं चला। फिर हम भागते हुए गए दर्शन के लिए द गोल्डन अवतार ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, क्योंकि 9 बजे के बाद दर्शन बंद होने वाला था, इसलिए हम जल्दी से गए दर्शन के लिए। फिर अभी रात के 10 बज रहे थे और पूरा पूरी 30 लाख भक्तों से भरा हुआ था, इसके चलते हमें एक भी रूम नहीं मिला रहने के लिए। ऑल ऑफ सडन एक प्लान आता है, क्या करें। फिर प्लान आया, क्यों ना हम आज की रात बीच में ही निकाल दें। फिर मैं और पापा गोल्डन बीच की तरफ भागे अपने रात निकालने के लिए। हम जैसे ही पूरी बीच में पहुंचे, वैसे देखे कि वाह ये तो बढ़िया माहौल है, लगभग 5 लाख लोग अपनी रात पूरी बीच में ही निकालने वाले थे। स्पेंडिंग ए नाइट इन बीच वॉज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। कल रात का एक्सपीरियंस इतना तगड़ा था ना भाई साहब, और पूछो मत, पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि एक नए जगह में जाने से सोने नहीं होता। और हम जब सो रहे थे 3 बार बारिश आया, 3 बारी बारिश हुआ, तो एक बार बारिश हुआ तो हम फिर से भागते चले गए छुपने, फिर दूसरी बार बारिश हुआ तो फिर से चले गए, फिर तीसरी बार बारिश हुआ तो फिर से चले गए। ऐसे 3 बार हम भागे इधर उधर होके। फिर जैसे ही 4-5 बजने लगा तो वैसे थोड़ा सा माहौल ठंडा होने लगा और सुबह होने लगा, और सनराइज इतना सही था ना, और पूछो मत, मतलब लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। और आप सुबह उठते हो, पूरा सन आपके ऊपर रहता है, तो वो एक दूसरा एक्सपीरियंस होता है। और आप अगर आप लोग को यही एक्सपीरियंस करना है तो आप ज़रूर एक बार पूरी जाएं और एक बार पूरी बीच में अपना रात निकालें। सुबह होते ही हम समंदर में नहा के कोणार्क की तरफ निकल गए। फिर शुरू होता है हमारा पूरी टू कोणार्क जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब किया, इतना लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। और लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सी यू सून गाइस, हैव अ नाइस डे।